उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में ससुर बच्चे व हत्यारे दामाद को मिलाकर तीन की हुई मौत। हाँ, मैं डॉक्टर एस के जैन यहाँ पर एज ए जी एम ओ तैनात हूँ जिला अस्पताल सहारनपुर में। यहाँ 9 बजे लगभग हमारे पास एक चोटिल अवस्था में एक पुरुष आया था जिसका नाम सचिन कुंड 30 वर्ष और ये गांव बैरपुरा का रहने वाला है जो कि अंतर्गत थाना नकुर आता है सहारनपुर। तो इसकी जांच करने पर ये पाया गया कि एक इसको सिर में चोट थी और छाती में इसको गोली लगी हुई थी। तुरंत इसका बहुत ही गंभीर हालत में था, बीपी बिल्कुल शून्य था इसका और सांस लेने में इसको दिक्कत हो रही थी। इसका तुरंत उपचार किया गया, हमारे बड़े सर्जन भी आकर इसको उपचार किया गया, लेकिन अभी 9:20 पर इसको मृत घोषित कर दिया गया। ये थाना रामपुर में जानखेड़ा गांव है, वहाँ पे एक सचिन नाम के व्यक्ति ने अपने ससुराल में उसके ससुर और अपने खुद के बेटे अंशुल 8 साल का है दोनों को गोली मारा है। और उसके बाद जो है खुद पे यहाँ के लोगों का कहना है खुद के ऊपर भी गोली चला के वो गिर गया। तो सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई। उस समय सचिन की सांस चल रही थी, उन्हें उठा के हॉस्पिटल भेजा गया है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर यहाँ 2 डेड बॉडी जो परशुराम जी के हैं जो सचिन के ससुर हैं और अंशुल जो सचिन के बेटे हैं, ये ज्ञात हुआ है 2014 से इनके प्रकरण चल रहा है। इनके साले पंकज को सचिन ने गोली मारा है और उसमें 307 में जेल भी गया है, उसमें चार्जशीट भी लगी है। और उसी एक साल बाद फिर उन लोगों ने यानी सचिन पक्ष ने इनके खिलाफ जो है अपहरण के मुकदमा लिखाया कोर्ट के माध्यम से। पुलिस ने फिर उस कोर्ट के माध्यम से इस परिवार के खिलाफ जो लिखा गया उसको एक्सपेंज कर दिया, एफ आई आर लगा दिया गया और इनको निर्दोष घोषित कर दिया गया था। अब फिलहाल जो है इनको बनाए 2 साल पहले से फिर इन्होंने परेशान शुरू किया है, उस समय कार्रवाई भी हुई है। अभी 6 महीने पहले सचिन के खिलाफ NCR भी हुई है और इनका थाने में लिखा पड़ी है। अब रही बात आज क्या हुआ है, कितने लोगों के साथ वो आया है, ये सब बाजी से बात किया जा रहा है। मौके से अवैध असला भी बरामद हुआ है और कारतूस भी बरामद हुआ है। आगे हम लोग FIR लिखा के मोटरसाइकिल भी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है, आगे की कानूनी प्रक्रिया।